दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप शेड्यूल। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक वीकली शेड्यूल बताऊंगा। अगर आपकी भर्ती 7 या 8 दिन की बात है, अगर आपकी भर्ती 1 मंथ की बात है, या तो अगर आपका फिजिकल अभी हुआ है या नेक्स्ट फिजिकल के लिए अगर आप तैयार करते हो, तो दोस्तों इस वीकली शेड्यूल को आप अच्छे से फॉलो करो यहाँ पर दोस्तों। और ऐसे वीडियो दोस्तों कोई नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो अच्छे से करते हो तो आपका परफॉर्मेंस जल्दी बढ़ेगा और आपकी लॉन्ग जंप अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी जंप 18 फीट है, अगर आपकी जंप 12 फीट है, दोस्तों 4 या 5 फीट जंप बढ़ सकती है। और दोस्तों आपको वर्कआउट अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस वर्कआउट को अच्छे से फॉलो करते हो तो गारंटी के साथ दोस्तों आपकी जंप बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक टाइम का वर्कआउट बताने वाला हूँ। मतलब क्या, यहाँ पर मंडे में क्या करना है, चुतड़ी में क्या करना है, वेंसड में क्या करना है, इस तरह से दोस्तों आपको मैं वीकली शेड्यूल बताऊंगा। सिर्फ इस वर्कआउट को आपको अच्छे से फॉलो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात, जो मैं अभी वर्कआउट बताने वाला हूँ उससे पहले दोस्तों आपको वार्मअप एक्सरसाइज आपको कंपल्सरी करना है, फिर आपको उस वर्कआउट को करना है। तो लॉन्ग जंप में अगर स्पीड बढ़ाना है तो हमें स्पीड के लिए कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मंडे में हमें ABC एक्सरसाइज करना है, और दोस्तों हमें 25 मीटर में एक्सरसाइज करना है, और उसके हम 8 एक्सरसाइज करेंगे और हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगाएंगे। और दोस्तों अगर हम लॉन्ग जंप करते हैं तो हमें स्पीड से एक्सरसाइज करना चाहिए, ABC एक्सरसाइज हमें स्पीड से करना है। और अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो ABC एक्सरसाइज कैसे करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, नहीं तो आप चैनल पर जाकर वर्कआउट को देख सकते हो। और ABC एक्सरसाइज होने के बाद आपको 80 मीटर के 4 स्ट्राइड लगानी है। इस तरह से आपको दोस्तों मंडे में इस तरह से मॉर्निंग में यही वर्कआउट करना है। और दोस्तों एक टाइम में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो या तो इवनिंग में कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डे। हमें ट्यूजडे में कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करने हैं। हमें लॉन्ग जंप पेट पर जाना है और वहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे। वहाँ पर हम कुछ ब्रॉड जंप लगाएंगे और उसके हम 7 या 8 सेट लगाएंगे। फिर उसके बाद हॉप लगानी है, सिंगल लेग हॉप, इस तरह से आपको दोनों लेग पर करना है। उसके साथ आपको हॉप लगा के जंप लगाने, आपको सिंगल लेग हॉप लगाने और उसी पैर पर जंप लगाने, ऐसे आपको दोनों पैर पर करना है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों बाउंडिंग करना है, और ऐसे आपको दोनों पैरों पर करना है। और इसके वजह से आपके लेग में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अच्छे से पावर बढ़ेगी, और आपका टेक ऑफ भी अच्छा जाएगा और आपकी लॉन्ग जंप भी अच्छी होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डे। हमें दोस्तों वेंसडे में सबसे पहले हमें 10 या 15 मिनट जॉगिंग करना है, उसके बाद अच्छे से वार्म एक्सरसाइज करना है, और फिर हम 10 मिनट जॉगिंग करेंगे। और जॉगिंग ख़त्म होने के बाद आपको दोस्तों कोर वर्कआउट करना है। हमें पूरे टोटल बॉडी का कोर एक्सरसाइज करना है। अगर कोर एक्सरसाइज कैसे करना है, किस तरह से करना है, अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देखो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से आप कर सकते हो। उसमें आपको सिट अप लगाना है, उसके बाद होल्डिंग करना है, साइड होल्ड, प्लैंक होल्ड, इस तरह से आपको बैक होल्ड, ये सभी एक्सरसाइज करना है। इसके वजह से दोस्तों आपके जो कोर में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी दोस्तों पूरी टोटल बॉडी में पावर बढ़ेगी और आपकी लॉन्ग जंप बची जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फिर एक बार आपको लॉन्ग जंप पीट पर जाना है। अब हमें दोस्तों कुछ जंपिंग ड्रिल्स करने हैं। हमें क्या करना है, 2 स्टेप पर जंप लगाने हैं, उसके बाद आपको 4 स्टेप पर जंप लगाना है, उसके बाद 6 स्टेप पर जंप लगाना है, इस तरह से दोस्तों आपको जंपिंग ड्रिल्स करने हैं। और दोस्तों आपको एपोर्ट लगा के जंपिंग ड्रिल्स करनी चाहिए। आपको अच्छे से रनिंग करना है, अच्छे से टेक ऑफ लेना है, अच्छे से लैंडिंग करना है, और उसके साथ दोस्तों आप ब्रॉड जंप भी लगा सकते हो। इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। इसके साथ आपका दोस्तों टेक ऑफ अच्छा जाएगा, आपका लैंडिंग अच्छा होगा, और इसकी वजह से आपकी लॉन्ग जंप भी बढ़ेगी और आपकी जो लॉन्ग जंप है वो करने की आपको आदत पड़ेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट डे। हमें फ्राइडे में दोस्तों क्या करना है, अगर हमें स्पीड बढ़ाना है, लॉन्ग जंप के लिए से स्पीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ रेपिटेशन लगाना चाहिए। उसमें हमें 30 मीटर और 40 मीटर की रेपिटेशन लगानी है, और रेपिटेशन का दोस्तों आपको टाइमिंग निकाला है। 30 मीटर के आप 5 रेपिटेशन इस तरह से आप लगा सकते हो, उसके बाद आपको दोस्तों 5 मिनट रेस्ट लेना है, और फिर उसके बाद 40 मीटर की 5 रेपिटेशन इस तरह से रेपिटेशन लगानी है। और रेपिटेशन का दोस्तों आप टाइम में निकल सकते हो इस तरह से आपको, और दोस्तों आपको 95 एफर्ट से आपको रेपिटेशन लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमें स्पीड बढ़ाना है दोस्तों अच्छे से एफर्ट से आपको रेपिटेशन लगाना चाहिए।
और उसके साथ दोस्तों आपको ऑप्शनल वर्कआउट करना है। आप एक या दो वीक में आपको एक बार दोस्तों इस वर्कआउट करना है। उसमें आप दोस्तों स्लो पास भी लगा सकते हो। 30 मीटर आपको फास्ट लगाना है और 30 मीटर आपको स्लो लगाना है। फिर उसके बाद और 30 मीटर स्लो पास्ट आपको दोस्तों 5 मिनट करना है। फिर उसके बाद आपको 40 मीटर स्लो पास्ट 5 मिनट करना है। इस तरह से वर्कआउट करना है। फ्राइडे में आप दोस्तों इस तरह वर्कआउट कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट डे। सैटरडे में दोस्तों आपको अच्छे से वारों एक्सरसाइज करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप लॉन्ग जंप पिट पर जा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शनल वर्कआउट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप लॉन्ग जंप पिट पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको जंपिंग पिट में एक्सरसाइज करना है। आपको लॉन्ग जंप के रेती में अच्छे से एक्सरसाइज करना है। नहीं तो आपको दोस्तों क्या करना है, सभी एक्सरसाइज करना है। उसमें आप दोस्तों हाई नहीं करने हैं, बैक नहीं करने हैं, ब्रॉड जंप लगानी है। इस सभी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। नहीं तो आपको दोस्तों 80 मीटर के आप कुछ स्टार्ट लगा सकते हैं, 4 या 5 स्टार्ट लगा सकते हैं। इस तरह से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह से आप दोस्तों और उसके साथ दोस्तों आप अगर लॉन्ग जंप लगाना चाहते हो तो आप 1 या 2 फुल लॉन्ग जंप लगा सकते हो। आपको अच्छे से अप्रोच लेना है और लॉन्ग जंप लगानी है। आप 1 या 2 लॉन्ग जंप लगा सकते हो। इस तरह से आपको दोस्तों वर्कआउट करना है। फिर आपको दोस्तों संडे में पूरा रेस्ट लेना है। संडे में हमें बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना, फिर मंडे में प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको दोस्तों वर्कआउट को फॉलो करना है। इसी तरह से आपको वर्कआउट करना है। इस वीकली शेड्यूल को आपको अच्छे से फॉलो करना है। आपका परफॉर्मेंस जल्दी बढ़ेगा।